मूवी बहुत अच्छी है, मूवी की जो सब्जेक्ट जो कंटेंट है बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि एक बच्चे के ऊपर कहानी है, बच्ची मतलब कि एक गुजरात की फैमिली है जहाँ पे उनको वंश बढ़ाने के लिए लड़की की ज़रूरत होता है लेकिन सिर्फ लड़की आती है। बहुत अच्छे तरीके से मूवी को बनाया गया, मूवी छोटी है 2 घंटे 5 मिनट की और बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। अगर हम बात करें रणवीर सिंह और शालिनी पांडे की, दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है और दोनों ने बहुत बाखूबी काम किया है। ओवरऑल कितने स्टार देंगे आप? 3-3। रणवीर तो रणवीर है ही ना, ही कैन डू एनी एक्टिंग, कोई भी पिक्चर में कोई भी ढांचे में डल जाता है। लेकिन स्टोरी अभी बच्चे के ऊपर, गर्ल चाइल्ड के ऊपर है तो आई डोंट नो पीपल विल एक्सेप्ट इट बिकॉज वी एक्सपेक्टेड मोर। सोशल मैसेज क्या, आज की थोड़ी मैसेज है ये, तो पुराने जमाने की है। गर्ल चाइल्ड है और देख के करना है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा सर दर्द हो गया। वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ मनी। कितने स्टार देंगे? जीरो जीरो जीरो। आप बताइए मैडम, आपको कैसी लगी ये मूवी? कितना एक्टिंग के बारे में कुछ कहेंगे? और जो न्यू कमर शालिनी पांडे, उसकी एक्टिंग कैसी लगी? इट्स अमेजिंग। क्या गाना पसंद आया आप लोगों को? हां, अच्छा है। जाओ, डू यू थिंक इट्स अ फुल पैसा वसूल मूवी? यस। दोबारा आएंगे देखने के लिए? हां, देख सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब अच्छी मूवी है काफी। ओके ओके, कितने स्टार देंगे आप लोग? 4.5। और शालिनी पांडे और बोमन ईरानी की एक्टिंग कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी थी। और कितने स्टार्स देंगे आप मूवी? 5 स्टार ऑब्वियसली, 101%। थैंक यू। और एक स्वीट मैसेज भी दिया अच्छा उसमें। और म्यूजिक के बारे में बात की जाए तो रणवीर सिंह की म्यूजिक भी बहुत अच्छी रहती है, तो आप क्या कहेंगे म्यूजिक के बारे में? म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, मतलब ऐसे कुछ किधर फिल्म में कभी बोर पार्ट नहीं हुआ कभी ऐसे। कितना स्टार देंगे सर? 5 out of 5 देंगे। तो शालिनी पांडे की एक्टिंग कैसी लगी जो न्यू कमर है? अच्छी है, बहुत अच्छी। थैंक यू। दोबारा आएंगे सर देखने के लिए? हाँ जरूर। बॉम अंकल कैसी लगी? बॉम अंकल फिल्म कैसी लगी आपको? हाँ, वेरी गुड, बहुत जोरदार लगी, बहुत अच्छी फिल्म है। मी एज बॉम अंकल वी आई गिव ऑनेस्ट रिव्यूज। ओके, सो बेसिकली ये जो फिल्म है एक कॉन्टेंट ड्रिवन फिल्म है। ओके, इट्स बेस्ड ऑन अ मेल पेट्रियार्क सोसाइटी जहाँ पे लड़कियों को जन्म नहीं दिया जाता है, तो देर इज़ अ सोशल मैसेज, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये होते आया है कुछ हिस्सों में, पर एनीवेज तो जो फिल्म है, तो जो सेंट्रिफ्यूगल कैरेक्टर है ऑफ मिस्टर रणवीर सिंह हु प्लेज द रोल ऑफ जयेश भाई, ही गोज अगेंस्ट द मेल पेट्रियार्च रूल्स। ओके, एंड ही फाइट्स इट एंड प्रूव्स इट दैट नो, व्हाट यू ऑल आर डूइंग, व्हाट यू ऑल आर थिंकिंग एंड व्हाट यू ऑल हैव बीन डूइंग टिल डेट इज रॉन्ग, वी नीड टू पुट एन एंड टू ऑल दिस। ओवरऑल फिल्म कैसी लगी सर आपको? सर ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छी थी, बहुत कॉमिकल थी और बहुत मज़ा आया। वेल प्रेजेंटेड स्टोरी लाइन वॉज फैंटेस्टिक, देयर वॉज अ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, बहुत सारा ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, वो ही आपको बहुत ग्रिप करता है, ये जो फिल्म है ना वो ग्रिप करता है बहुत। तो बेसिकली इसमें बहुत सारा कॉन्टेंट है, तो अनफॉर्चुनेटली कॉन्टेंट ड्रिवन फिल्म्स, प्योर कॉन्टेंट ड्रिवन फिल्म्स नहीं चलती है, लार्जर देन लाइफ फिल्में चलती हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, आई डोंट नो, सो दिस इज़ द रीसेंट प्रॉब्लम। अच्छी फिल्में नहीं चलती, रनवे 34 अच्छी फिल्म थी पर नहीं चली। सो एनीवे फ्रॉम माय साइड इट्स अ प्योर एंटरटेनमेंट फिल्म, वी शुड गो एंड वॉच इट फ्रॉम द एंटरटेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द लेसन्स पॉइंट ऑफ व्यू दैट वी नीड टू एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ दिस स्टोरी। कितने स्टार देंगे सर? बॉम अंकल नेवर गिव स्टार्स, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, this film is worth watching and this is a very 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 well made film. Second time aayenge dekhne ke liye? Zarur.
इट इज़ अ फिल्म विच आई विल पुट इट इन माई लाइब्रेरी एंड मैं हमेशा देखते रहूँगा. लाइक रनवे 34 आई लव जर्सी. सो दिस इज़ वन मोर फिल्म आई विल पुट इट इन माई लाइब्रेरी. आई विल डेफिनेट इट हैज़ अ रिपीट वैल्यू. देर इज़ नो टू वेज अबाउट इट. अच्छी फिल्म बनी है. मैं ऑडियंस से गुजारिश करता हूँ कि आप ऐसी फिल्म देखो, एंटरटेन हो जाओ. अगर आपको कॉमिकल फिल्म पसंद है तो जाइए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा. मुझे बहुत मज़ा आया. मुझे बहुत ज़्यादा एवरेज लगी, बहुत ज़्यादा एवरेज लगी. मतलब आई एम टोटली डिसग्रंटल्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसिल्यूशन्ड. मैंने जब ट्रेलर देखा तो मुझे लगा था इतना स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज है. मतलब देखिए, इतनी डीप रूटेड पेट्रियार्की है हमारी सोसाइटी में, इतना मेल डोमिनेशन है और फीमेल फोर्टिसाइड के ऊपर पहली बार मूवी किसी ने इतनी, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है बट जिस तरह से एग्जीक्यूट किया, इतने सारे रैंडम सीन्स, कहीं भी हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाए. इट वॉज़न्ट रियलिस्टिक, इट वॉज़न्ट रिलेटेबल. हालांकि जो रणबीर कपूर है उन्होंने अपना रोल बहुत शिद्दत से निभाया, रणबीर सिंह तो उन्होंने अपना रोल इतना शिद्दत से निभाया बट कहीं भी हम लोग रिलेट नहीं कर पाए मूवी से. उनकी केमिस्ट्री भी मुझे बहुत अजीब लगी शाहरुख खान के साथ. मूवी एक आर्ट फिल्म लग रही थी, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री जैसे लग रही थी. इट्स फॉर कमर्शियल ऑडियंस. तो सिनेमेटोग्राफी जो मतलब सिद्धार्थ दीवान की, मैं उनको कहूँगा कि जिस भी एंगल से फोटोग्राफी की गई है वो कमर्शियल ऑडियंस के लिए लगती नहीं है. एडिटिंग ठीक है, नम्रता राव की 2 आवर्स की मूवी है, कहीं भी स्ट्रेच नहीं किया बट वो 2 घंटे भी अगर बोरिंग और मोनोटोनस हो जाए तो यू विल नॉट इन्जॉय. कितने स्टार देंगे इस मूवी? म्यूजिक भी बिलो एवरेज था, स्टोरी भी इतनी ग्रिपिंग नहीं थी, तो 2.5. ओवरऑल फिल्म की बात की जाए तो कैसी लगी फिल्म? फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी है और मुझे ये जान के बहुत अच्छी लगी कि आज के ज़माने में भी यशराज जैसा बैनर एक इतने सेंसिटिव टॉपिक को एक अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहा है, ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा. सर कहीं ना कहीं ये फिल्म सोशल मैसेज दे रही, तो आपको लगता है खरी उतरी है ये फिल्म सोशल मैसेज देने में? बिल्कुल खरी उतरी है ये फिल्म. म्यूजिक की बात की जाए तो म्यूजिक कैसी लगी फिल्म? म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये फिल्म ऐसी है जहाँ पे काफ़ी सीरियस सीन भी है और सीरियस सीन को सडनली एक कॉमेडी मोमेंट में टर्न हो जाता है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए म्यूजिक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, स्पेशली बैकग्राउंड म्यूजिक जो है. तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है और जो सिचुएशनल ट्विस्ट होते हैं उसको सपोर्ट करने में म्यूजिक का बहुत अच्छा रोल है. और रणवीर सिंह की एक्टिंग की बात की जाए शालिनी पांडे के साथ, तो कैसी लगी उनकी केमिस्ट्री और रणवीर सिंह की एक्टिंग कैसी लगी आपको? रणवीर सिंह की एक्टिंग मुझे बहुत ही शानदार लगी है. इनफैक्ट रणवीर सिंह एक ऐसे अभिनेता हैं जो मुझे टाइम बाय टाइम सरप्राइज़ करते रहते हैं कि आप उनको देखते हैं कि दुनिया भर की हरकतें करते हैं वो, अलग अलग इवेंट्स पर जाके अलग अलग टाइप के कपड़े पहन के, पर वो आदमी ऐसा है कि आपको सरप्राइज़ कर देता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो जो मेन उनका जो प्रोफेशन है एक्टिंग, उसमें वो अपना 100% देते हैं और इतना बेहतरीन अभिनय करते हैं कि आपको वो सरप्राइज़ कर देते हैं कि ये आदमी इतना मल्टी टैलेंटेड, स्किल्ड, एनर्जी से भरा हुआ, और उसके बाद जो निटिग्रिटीज़ कहते हैं जैसे हर रोल की, हर किरदार की, वो कैसे पकड़ लेते हैं. जैसे आप अगर देखोगे बाजीराव मस्तानी में उन्होंने एक जो मराठा एक्सेंट होता है वो पकड़ा, इस फिल्म में उन्होंने एक गुजराती एक्सेंट जो होता है वो पकड़ा और बिल्कुल बखूबी निभाया. डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन कैसा लगा था? डायरेक्शन बहुत शानदार था. दिव्यांग ठक्कर जी की ये डेब्यू फिल्म है हिंदी में और दिखता है कि काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, काफ़ी उनकी जो पकड़ है गुजराती समाज पे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखती है. डायरेक्शन के अलावा एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एडिटिंग इस फिल्म की काफ़ी अच्छी है, काफ़ी क्रिस्प है, काफ़ी शार्प है. तो आपको कोई भी मौके ऐसे नहीं आते जहाँ पर आप कहो कि ये सीन खिंच गया है या अब थोड़ा सा बोरिंग लगने लग गया है. बहुत ही क्रिस्प एडिटिंग है और कट टू कट पेस बना के रखती है पूरी फिल्म में. ओवरऑल कितने स्टार देंगे सर? मैं इसे दूंगा अराउंड 3.5 स्टार्स. सर फिल्म की बात की जाए तो फिल्म कैसी लगी सर आपको? फिल्म एवरेज फिल्म है, खास कुछ नहीं है. कॉमेडी और वही पुरानी घिसी पिसी कहानी है, सब नया कुछ खास नहीं है उसमें. वही बेटी का जो मैसेज देते है वो बहुत पुराना हो चुका है अभी. सर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आज भी हमारे समाज में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहे हैं तो उसके ऊपर ये फिल्म बनी है तो एक सोशल मैसेज दे रही है कहीं ना कहीं? नहीं, अभी ये जो मैसेज है वो, ये जो बेटी का जो बहुत पुराना है, अभी आज के ज़माने में वो ऐसा नहीं है. बेटी अभी बहुत एडवांस है आजकल ज़माने में. रणवीर सिंह की एक्टिंग की बात की जाए तो उसको ये पिक्चर नहीं करनी चाहिए थी मेरे ख्याल से. क्यों सर आपको अच्छी नहीं लगी? खुराना टाइप पिक्चर है, आयुष्मान खुराना की जो पिक्चर आई थी बधाई हो, उस टाइप की पिक्चर है. उसमें तो कॉमेडी थी लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ खास को गुजरात का ऑडियंस को अच्छा लगेगा बस. और नई कमर शालिनी पांडे की एक्टिंग कैसी लगी सर? उसका ये दोनों का मुझे ज़्यादा कुछ मेल जोल नहीं लगा ऐसा. तो ओवरऑल कितनी स्टार देंगे आप? 2.
आउट ऑफ 5। सर जी, फिल्म की बात की जाए तो फिल्म कैसी लगी आपको? ये फिल्म तो मुझे बहुत बढ़िया लगी, लाइक इट वाज वेरी गुड। क्या अच्छा लगा सर फिल्म में आपको? फिल्म के बारे में मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने जो ये उनका जो सुर पकड़ा है मूवी का, बहुत अच्छे से पकड़ा कि मतलब जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब कि टाइम क्या बोलते हैं, टाइम वेस्ट ही नहीं लगा। मतलब ऐसे इंटरवल आ गया, पता भी नहीं चला इंटरवल कब आया, तो ऐसे था। सोशल मैसेज दे रही है सर ये फिल्म को लग रहा है? डेफिनेटली सोशल मैसेज है एंड इट्स रियली स्ट्रॉन्ग ऑल्सो कि यार एक बच्चा, जो छोटी बच्ची जिसको चांस ही नहीं देते हैं कुछ लोग, क्यों देना चाहिए? एंड एक बाप जो इज फाइटिंग फॉर हिज जो अनबॉर्न चाइल्ड ना, पूरे इससे लड़ रहा है, क्या बोलते हैं, विलेज से लड़ रहा है, दैट्स अ रियली गुड मैसेज। ही इज स्टैंडिंग अप फॉर इन फ्रंट ऑफ हिज डैड कि नहीं मुझे चाहिए बच्चे, दैट्स अ रियली स्ट्रॉन्ग मैसेज। रणवीर सिंह की एक्टिंग के बारे में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है उनका जो रणवीर सिंह हैज़ दिस ग्रेट यू नो डिटेल दैट ही पुट्स इन हिज वर्क। जो एक्शन उन्होंने जो पकड़ा, जो बात करने का तरीका, जो ढंग है, देयर वर द फ्यू सीन्स जिसमें ही इज थिंकिंग अबाउट घर छोड़ के भागने के जाना है, बट नहीं, उनको अपने जो स्नैक्स का डब्बा है वो पहले ढकना है उसमें, तो वो छोटे छोटे जो डिटेल्स ही ना बहुत सुंदर थी। इट्स टेल्स अबाउट व्हाट अ ग्रेट एक्टर ही इज एंड व्हाट अटेंशन डिटेल ही हैज एंड कितना सोचते हैं उसके बारे में। म्यूजिक की बात की जाए तो म्यूजिक कैसे लगा? म्यूजिक अच्छा था। जो फायर क्रैकर था, मैंने ट्रेलर जब देखा तो ऑनेस्टली बताऊँ मुझे लगा कि शायद ये वर्क नहीं करेगा, मुझे लगा कि पूरी मूवी सैड होगी, बट एक्चुअली मूवी पूरी इट वाज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड ऑफ इमोशंस, जहाँ पे हंसी आ रही है और रोना आ रहा है। अच्छी चलेगी अंकल, बहुत अच्छी चलेगी। आपको अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी अंकल, आपको देखनी चाहिए। अच्छा, चलिए सो गए अंकल आप, सोशल मैसेज में भी सो गए आप जी। तो ओवरऑल कितने स्टार देंगे? आउट ऑफ 5 मैं 5.5 दूंगा। ओके ब्रदर।